हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं इस टॉर्च को रिपेयर करने वाला हूँ। आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि ये टॉर्च किस तरह से जल्दी ख़राब हो जाती है और ये टॉर्च रिपेयर नहीं हो पाती है, तो इसको रिपेयर कैसे करें। तो आज की वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि इस टॉर्च को रिपेयर कैसे करें। देख सकते हो मैं इसको ऑन ऑफ कर रहा हूँ, तो इसके लाइट ऑन नहीं हो रहे क्योंकि इसके अंदर बैटरी नहीं है। जो बैटरी है वो पूरी डेड हो चुकी है। मैंने इस बैटरी को फेंक दिया, नहीं रखूँगा इसको भी रिप्लेस करने वाला। तो जल्दी से इसे खोल लेते हैं। खोलने के लिए मुझे स्क्रू ड्राइवर लेना होगा। स्क्रू ड्राइवर से इसे खोलने वाला हूँ। इसे खोल लेते हैं। निकाल दिया तो जल्दी से इसको खोलेंगे। देखिए क्या हालत है इसकी। इसकी हालत देख सकते हो आप। इसका पूरा बिगड़ गया, इसका वायर सब कुछ करें। इसका ये भी ढीला है। यहाँ पर सिर्फ यहाँ पे एलईडी लग करें। इसको भी साइड में देखते हैं। देख सकते हो ये भी इसका कुछ टूट गया है। इसको भी साइड में देखते हैं। सबसे पहले इसका आसपास खोल लेते हैं। फिर इसके पास एक बैठे अपनी देख सकते हैं। अपनी टॉर्च खुल चुकी है। इसको भी साइड कर चुकी है। आपको इसका अच्छी बैटरी लगानी होगी आप लिथियम बैटरी भी लगा सकते हो जो मार्केट में 60-70 रुपये में मिल जाएंगी। यहाँ पर लिथियम बैटरी में लगाने वाला लोगों सकता है। मैं यहाँ पर एक मोबाइल की बैटरी को यूज़ करने वाला हूँ। 3000 mAh की है। 3000 mAh की बैटरी मोबाइल की बैटरी है। इसको मैं यूज़ करने वाला हूँ। यहाँ पर देख सकते हो पहले अपन इसे ऊपर से ट्राई करके देखने वाले कि ये ऑन है या वर्केबल भी है। अपनी जो टॉर्च है वो भी वर्क कर रही है या नहीं कर रही। इसको अगर जो बैटरी का माइनस का वायर है तो टॉर्च का माइनस को दो दिन है। बैटरी का माइनस भी जुड़ चुका है। बैटरी कनेक्शन हो चुका है। बैटरी को ऑन करके देखने वाले हैं। अपनी एलईडी वर्क हो गई, एलईडी जल चुकी है, ऑन हो चुकी है। सामने वाले इसका भी कनेक्शन कर देते हैं। अपन खोल लेते हैं, सब साफ कर लेते इसको। इस प्रकार से मैंने इसको जुगाड़ करके बनाया रखा था। इसका जो एलईडी पैनल है पूरी ढीला हो चुका है। देखो अभी कनेक्शन हो चुके हैं। उनको टॉर्च अभी आप लगा देंगे। कुछ इस प्रकार से अपनी टॉर्च यहाँ पर रहेंगी। जल्दी से अपन इसको पैक कर लेते हैं। देख सकते हो अपनी टॉर्च यहाँ पर फिक्स हो चुकी है। इसे भी जैसे वैसा अच्छे से लगा दूंगा मैं। अच्छे से बन चुकी है। मैंने आगे इसको भी टेस्टिंग करने का फिजिकल लगा के देखते हैं। देखो अपनी टॉर्च ऑन हो चुकी है। देख सकते हो कितनी भी टॉर्च बन चुकी है, अपनी रेडी हो चुकी है। अगर आपको भी टॉर्च रिपेयर करनी है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर से कर देना। ये टॉर्च फुली वर्केबल है। अब आप इस टॉर्च को एक दो दिन तक पूरा ला डेली चला सकते हो। अपन इसे सामने का हेडलाइट जला के देखने वाले हो। अभी इसके सामने का लाइट कैसा है देख सकते हो, कितना उजाला है। आपको अगर फ्रेम में दिख नहीं रहा होगा तो सकते हैं। टॉर्च बंद रेडी हो चुकी है। दो दिन लेडी उसमें से उड़ गई है। हम लोग ट्राई करते हैं। हम लोग लाइट ऑन करें तो अपनी लाइट हो चुकी है। हो चुकी है। आप इसे घर में रिपेयर करना चाहते हैं तो मेरा इस वीडियो को देख रहा घर में आप रिपेयर कर सकते हैं। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर देना। जो पास वाला जो बेल आइकन है उसको ऑल पे सेट जरूर से कर देना।